स्टूडेंट्स, स्वयं मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्वयं आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ई कैट जो टेस्ट है उसमें केमिस्ट्री के एमसीक्यूज कितने होंगे, इंग्लिश के एमसीक्यूज कितने होंगे और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप जो है प्रिपेयर करके ई कैट में जो है अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है केमिस्ट्री में जो आपके एमसीक्यूज हैं वो 30 होते हैं, 30 एमसीक्यूज होते हैं और एक जो एमसीक्यूज होता है वो 4 मार्क्स का होता है। तो इट मीन जो आपके जो केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज हैं वो 120 मार्क्स के बनते हैं और जो आपके पास इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं वो 10 होते हैं, तो उसको 4 से जब मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास जो इंग्लिश के एमसीक्यूज बनते हैं वो 40 मार्क्स के बनते हैं। इंग्लिश के जो एमसीक्यूज होते हैं वो इजी होते हैं, इट मीन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। बात करते हैं कि केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक हैं जो आपने जो है अच्छी तरह प्रिपेयर करना है ताकि उससे आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो टॉपिक आता है, जो चैप्टर आता है, बेसिक कंसेप्ट, इसमें जो टॉपिक है नंबर ऑफ मोल्स वाला, और ये जो है इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें से जो बुक की लाइन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है। और इसमें जो आपके पास एमसीक्यूज होते हैं वो मिनिमम 1 एमसीक्यूज होता है और मैक्सिमम आपके पास 2 एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इन केमिस्ट्री, इस चैप्टर की भी आपने बुक की जो लाइन्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है और इसमें से जो एमसीक्यूज होता है वो 1 आता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है गैसेस वाला, उसमें जो टॉपिक आ जाता है न्यूमेरिकल टाइप फ्रॉम गैसेस लॉज वाले, जो गैस लॉज है उनको आपने अच्छी तरह करना है और इसमें मिनिमम 1 एमसीक्यूज आता है और मैक्सिमम 2 भी आ सकते हैं, मिनिमम 1 एमसीक्यू ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है लिक्विड एंड सॉलिड वाला, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मिनिमम जो है आपके पास जो प्रीवियस पेपर को देखा जाए उसके मुताबिक जो है आपके पास 3 एमसीक्यूज बनते हैं और मैक्सिमम 5 तक भी आया है इस चैप्टर में से। तो इट मीन आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह करना, मिनिमम 3 और जो है मैक्सिमम 5 एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो एवरेज निकाली जाए तो 3 या 4 एमसीक्यूज इस दफ़ा भी आएंगे आपके। उसके बाद नेक्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में मिनिमम 1 एमसीक्यूज आया है और मैक्सिमम 3 भी आया है, तो इट मीन 1 या 2 एमसीक्यूज इस दफ़ा भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 से लेकर 3 एमसीक्यूज आए हैं, मिनिमम 1 आता रहा है और मैक्सिमम जो है आपके पास 3 भी आया है, जो आप प्रीवियस पेपर में देखेंगे तो उसमें किसी एक पेपर में जो है वो आपको 3 एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे एक इस चैप्टर में से, केमिकल बॉन्डिंग वाले में से। तो इट मीन 1 से लेकर 3 इस कोई भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं या 3 भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मोकेमिस्ट्री, इसमें जो है आपके पास जो एमसीक्यूज आता है 1 से लेकर 2 आ सकते हैं, मैं 1 भी आ सकता है या 2 भी आ सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट मीन आपके पास मिनिमम जो है 2 एमसीक्यूज मिनिमम आते रहे, तो आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह करना है। जो सोल्यूशन वाला है वो आपके पास जो है 1 से 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं, 1 एमसीक्यू जो है मिनिमम आएगा, तो इट मीन 1 एमसीक्यूज तो कन्फर्म है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इट मीन इसमें आपके पास मिनिमम 2, इट मीन एवरेज जो है हर टेस्ट में जो है हर पेपर में ओल्ड में देखा जाए उसमें 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो इट मीन आपने इस चैप्टर को जो है अच्छी तरह करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्शन काइनेटिक्स, इसमें जो है 1 से लेकर 2 तक एमसीक्यूज आ सकते हैं, या 1 एमसीक्यूज आएगा या जो है 2 एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर टॉपिक आते हैं वो है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रेडिक्टी, इट मीन इसमें जो 1 एमसीक्यूज भी आ सकता है या 2 एमसीक्यूज, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा इस चैप्टर में से एमसीक्यूज नहीं हो सकते। एस ब्लॉक एलिमेंट जो है उसमें आपके पास 1 या 2 एमसीक्यूज हो सकते हैं, मीन 2 से ज़्यादा एवरेज नहीं है, मे भी इस दफ़ा आ जाए वो एक अलग बात है, मीन एवरेज अगर देखी जाए प्रीवियस पेपर की तो इट मीन 1 या 2 ही एमसीक्यूज आते रहे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप 3A, 3B, 3A, 4A, 5A और 6A, इसमें भी आपके पास 1 से 2 एमसीक्यूज आते रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हैलोजन वाला, नोबल गैसेस और ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें जो है कभी आया भी नहीं है, कुछ पेपर ऐसे हैं जिनमें एमसीक्यूज नहीं आया इस चैप्टर में से, मीन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या आता है तो मैक्सिमम 1 एमसीक्यूज आता है। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें से 1 एमसीक्यूज आता है मैक्सिमम और मिनिमम जो है आपके पास, ऐसा भी हुआ है कुछ पेपर में नहीं है। तो इनमें जो आपके पास चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपने उन पर ज़्यादा फोकस करना है, जो आपके पास चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है उन पर थोड़ा फोकस करना है, मैं आपने करना सारे चैप्टर हैं, ये नहीं है कोई चैप्टर को स्किप नहीं करना। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है एलिफैटिक एंड
अरोमेटिक वाला, इसमें जो है आपके पास मिनिमम एक एमसीक्यूज आता है और मैक्सिमम दो एमसीक्यूज भी आए हैं। अल्काइल वाले चैप्टर में एक से लेकर तीन तक एमसीक्यूज आए हैं, मिनिमम एक आएगा, अगर ज़्यादा आते हैं तो इसमें दो भी तीन भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्रो मॉलिक्यूल, ये चैप्टर आपके पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिमम जो आपके पास एमसीक्यूज यहाँ पे बन रहे हैं वो दो एमसीक्यूज बन रहे हैं, हर पेपर में देखा जाए तो दो एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं, तो इट में आपके पास ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम तीन भी आ सकते हैं, मे बी इस दफ़ा तीन आ जाएं, वरना दो जो है कन्फर्म है कि वो दो इस चैप्टर में से आएंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, उसमें जो है एक या दो एमसीक्यू जो है बन सकते हैं, तो इट में ये जो केमिस्ट्री के एमसीक्यू से जो टॉपिक थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपके साथ शेयर किए। ऑलरेडी मैथ के एमसीक्यू जो है वो शेयर कर चुके हैं, आप जो है वीडियो के एंड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है भी शो होगी, तो वो आप मैथ के जो है वो भी देख सकते हैं, वरना हमारे चैनल में जाके जो है मैथ के लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप ईकैट दे रहे हैं तो इट में आपको जो है कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी अच्छी भी होती है, ईकैट में मिस्टेक कराते हैं, इसके ऊपर जो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं अवॉइड दिस सिक्स मिस्टेक वाला, वो आप उस वीडियो को टेस्ट से पहले ज़रूर देख के जाना ताकि वो जो मिस्टेक है आप ना करें। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंग्लिश, इंग्लिश का जो सिलेबस होता है ये ज़्यादा टफ नहीं होता, इसमें से सिर्फ 10 ही एमसीक्यूज होते हैं 40 मार्क्स के, तो इट में आपके पास एक पैरा होता है उसमें से आपने क्या करना होता है, सिनोनियम भी हो सकते हैं, इसमें जो मुश्किल चीज़ हो सकती है वो दो या तीन सिनोनियम हो सकते हैं जो आपके उस पैरा से होंगे, या वो जो पैरा आपके पास दिया होगा उसका टाइटल या जो भी आपको टॉपिक नेम जो लिखना होगा वो आपके लिए डिफ़िकल्टी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके लिए जो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपको इंग्लिश का सिलेबस मुश्किल नहीं है, इसमें मैथ का सिलेबस यह है कि मैथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स सीखनी चाहिए, शॉर्टकट में जाना चाहिए और शॉर्टकट में जो है आपको जल्दी से जल्दी एमसीक्यूज को कंप्लीट करना चाहिए। इंशाल्लाह जो मैथ के लेक्चर हैं ईकैट के वो हम जल्द जो है ईद के नज़दीक जो है ईद के बाद फौरन जो है वो अपलोड कर देंगे। आप अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो आपको नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिल सके, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।